ज़्यादा ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। आज हम लोग बात करने वाले एम स्टॉक के बारे में, जो कि नए अपडेट्स आए हैं। ठीक है, तो नए अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहला अपडेट के बारे में अगर बात करूँ तो वो मुझे अच्छा लगा, चार्ट एनहेंसमेंट यू विल लव। तो ये एनहेंसमेंट क्या है, देखो जो एम स्टॉक का वो है ना, ब्रोकर का एप्लीकेशन है, उसमें आप लोग मल्टीपल चार्ट्स नहीं देख सकते थे, एक मल्टीपल चार्ट्स का फीचर नहीं था, अभी यहाँ में आ चुका है। बाकी ब्रोकर्स में मल्टीपल चार्ट्स कितने सालों से हैं, लेकिन एम स्टॉक बहुत पीछे था इस चीज़ में, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। और जो भी चार्ट्स के हिस्टोरिकल डाटा थे वो भी आप लोग निकाल सकते हो, जो कि अच्छी बात है। तो हिस्टोरिकल डाटा भी आप लोग निकाल सकते हो सर्च वर्च करके। फिर मल्टीपल चार्ट्स इन सिंगल स्क्रीन बात हो गई। फिर कुछ इंडिकेटर्स इंट्रोड्यूस की गई हैं, 100+6 इंडिकेटर्स और इंक्लूडिंग 80+ ड्राइंग टूल्स। मोबाइल यूजर्स के लिए भी ये अच्छा है, क्योंकि मोबाइल यूजर्स भी मल्टीपल चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, और बाकी सारे फीचर्स इंडिकेटर्स जो भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है और जो भी ड्राइंग फीचर्स हैं, ये वो आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के बारे में। तो पहला अपडेट हम लोगों ने बात कर ली, नेक्स्ट अपडेट जो यहाँ में है वो है व्यू कॉरपोरेट एक्शंस ऑफ फ्रंट। तो इसका मतलब क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन ऑन डिविडेंड स्प्लिट राइट्स एंड बोनस विल बी विजिबल राइट नेक्स्ट टू द स्टॉक नेम इन वॉच लिस्ट। तो जो भी स्टॉक है उसमें आप लोगों को विजिबल होगा, डिविडेंड कितना दे रहा है, बोनसेस, सारी चीज़ें आप लोगों को कंपनीज का जो भी स्टॉक होगा उसके बारे में शो हो जाएगा। ठीक है, तो वो कहाँ शो होगा मैं आप लोगों को साइड में मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा। बाकी डेस्कटॉप में मुझे यहाँ शो हुआ नहीं, जो कोट वाला ऑप्शन है, ठीक है, इसमें मैं गया था, यहाँ में हम लोगों को नॉर्मली चार्ट ही ओपन हो जाता है। तो मोबाइल में आप लोगों को कहीं ना कहीं शो हो जाएगा, वॉच लिस्ट में हम लोग जैसे जाके देखेंगे तो जो भी बोनस सिस्टम और डिविडेंड वगैरह सब कुछ शो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा अपडेट इनका मानना है। तो बाकी नेक्स्ट, ये सारे अपडेट्स लाइव हैं अभी जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, 1 सितंबर 2024 को, तो ये आप लोगों को मोबाइल डिवाइस में या फिर डेस्कटॉप साइड में मिल जाएंगे। फिर एक और फीचर जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, पोर्टफोलियो नाउ कॉम्बाइंड विथ इमर्जिंग एंड डीपी होल्डिंग। तो जो भी पोर्टफोलियो है, पहले क्या होता था, नॉर्मली सिर्फ आप लोगों को पोर्टफोलियो दिखता था कि स्टॉक कितना है पोर्टफोलियो में, होल्डिंग आप लोगों को दिख जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन अभी आप लोगों को यहाँ में क्या क्या मिल जाएगा, पोर्टफोलियो में आप लोगों का जो भी ई मार्जिन होता है, ब्रोकर से हम लोग मार्जिन लेके स्टॉक उठाते हैं, वो भी शो होगा, और जो डीपी होल्डिंग होता है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो अच्छी बात है, आप लोगों को सारी चीज़ें एक जगह में जब मिलती हैं तो इससे अच्छा और कुछ नहीं होता है ना। बाकी ब्रोकर्स में भी ऐसे अपडेट्स आती हैं और इम्प्रूवमेंट करते हैं लोग ब्रोकर्स। तो यही सारी चीज़ें हैं, हम लोगों को पोर्टफोलियो में सब कुछ दिखने वाला है कंबाइंड वे में, एक ही जगह में, ई मार्जिन और डीपी होल्डिंग और जो नॉर्मल पोर्टफोलियो होता है स्टॉक्स का और मार्जिन वाला, सब दिख जाएगा। तो ये तीन अपडेट्स थी जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोग मोबाइल डिवाइस में चेक कर सकते हो और मैं आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो साइड में लगा ही दूंगा। बाकी यही सारी अपडेट्स थी, कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन खुला है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।